तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी पर एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने बेनामी संपत्तियों की अटैच किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लखनऊ से, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी पर एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने बेनामी प्रॉपर्टी अटैच की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी पर बड़ा एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि बेनामी संपत्तियां आयकर विभाग ने अटैच कर ली है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अविनाश जुड़ चुका है। अविनाश, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह आपने देखा होगा कि जिनके कंधों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवैध तरीके से बन रही इमारतों और बिल्डिंगों को सीज करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उन्होंने आज जिस तरीके से इनकम टैक्स ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, उनको इनकम टैक्स ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें साफ तौर पर उनके बनाए गए अपने आसियाने में 1 करोड़ से अधिक का टर्नओवर पाया है, जिसके बाद इनकम टैक्स ने उनको एक नोटिस जारी की। आपको बता दें, इंद्रमणि त्रिपाठी लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी हैं, उनके कंधों पे तमाम जो लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े तमाम वो जो कह सकते हैं कि लगातार जो अवैध तरीके से भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरीके के कार्रवाई करते, उन्हीं में से एक इंद्रमणि त्रिपाठी को आज इनकम टैक्स ने जिस तरीके से जो नोटिस भेजा है, उसमें 1 करोड़ से अधिक टर्न ओवर बनाने की उसमें जो बात कही गई कि अपने आवास पे इन्होंने इतना खर्च किया। तो जिस तरीके से लगातार आज ये नोटिस उनको मिली है, तो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है, जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिनके कंधों पर खुद की जिम्मेदारी है, उन पर इस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप कह सकते हैं कि ये लग रहा है। साफ तौर पर अभी इस पूरे मामले की इनकम टैक्स जांच करेगी, तब साफ तौर निकल कर आएगा कि इस तरीके से इसमें जो इंद्रमणि त्रिपाठी पर 1 करोड़ से अधिक के जो मतलब लागत से अपने आसियाने को बनाया गया, उसमें तमाम और बड़े खुलासे अभी होना बाकी हैं। अविनाश, अगर बात की जाए तो कब का ये मामला है, कब ये जो संपत्ति खरीदी गई थी, इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो प्रॉपर्टी, इसके बेनामीदार कौन है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, लखनऊ के सृजन विहार जो कि गोमती नगर इलाके में आता है, उसमें जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी है इंद्रमणि त्रिपाठी, इनके द्वारा वो घर का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 1 करोड़ से अधिक की लागत में उस आवास पर जो है काम हुआ है, जिसके चलते आज इनकम टैक्स ने उन पर नोटिस जारी की है। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 1 करोड़ के अधिक जो है इसमें, आपको ये भी बता दें कि एक राष्ट्रीय अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से जब दिखाया था, तो उसके बाद उस पत्रकार पर भी इनकम लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उन पर लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन आज जब इनकम टैक्स ने जब नोटिस भेजा है, तो ये मामला जिस तरीके से कह सकते हैं कि इनकम टैक्स के विभाग की जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई हुई, तो कह सकते हैं जिनके कंधों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की खुद जिम्मेदारी थी, वही आज भ्रष्टाचार में संलिप्त नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके के जो तमाम जो अधिकारी है उन पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। अविनाश, अगर बात करें तो क्या ये पूरा मामला कोर्ट में है, और अगर कोर्ट में है तो इस पर अगली सुनवाई कब होगी? देखिए, अभी मामले की जांच अभी होना बाकी है, अभी ये कुछ इसमें जिस तरीके से अभी इसके जांच चलने भी जांच होना बाकी है, कह सकते हैं कि अगर आगे जांच होगी तो आने वाले और भी समय में इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि इंद्रमणि त्रिपाठी पर भी उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि तमाम जो भूमिफियाओं का उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरीके की कार्रवाई करती है, तो देखना ये होगा कि उन्हीं के अधिकारी इस तरीके के भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, तो किस तरीके की बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में इंद्रमणि त्रिपाठी जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी हैं उनको देखने पर मिल सकती है। जी अविनाश, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ में आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी पर एक्शन देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने बेनामी प्रॉपर्टी अटैच की है।